हमारे साथ हैं रजित कपूर, जिन्हें किसी तारुफ की दरकार नहीं, और हर बार उनसे मिलना जैसा लगता है कि खुद को हम कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, सिनेमा क्रिएटिव मीडियम को कहीं खोज रहे हैं। और आज जब सुबह हुई तो सबसे पहली बात रही कि बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। रजित कपूर साहब, एक ऐसी लड़ाई, लगभग 12 साल अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो आपने लड़ाई वो लड़ी, और आज आपने बहुत से लोगों को नई उम्मीद जाहिर की, तो ये कब शुरू हुआ, क्या कुछ था, ज़रा उसके बारे में बताएं। सिलसिला तो 12 साल पहले का है, लेकिन संक्षेप में यही कहूँगा कि ये एक चेतावनी है, एक अलर्ट वार्निंग है हर एक प्रोड्यूसर के लिए कि आप अपनी टीम, अपने सहयोगियों को, अपने आर्टिस्ट को, अपने टेक्नीशियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। बिकॉज ये अक्सर होता है कि जो आपकी टीम्स होती है, तो इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। यू कांट एक्सपेक्ट एन एंटायर यूनिट टू वर्क फॉर यू एंड नॉट बी पेड, बिकॉज द प्रोड्यूसर जो होता है रिस्क वो लेता है और बाकी कुछ ले जाते हैं। तो ये आई होप, मेरी आशा है कि ये एक उदाहरण रहे बाकियों के लिए। अच्छा, घटनाक्रम क्या था, आपने शूट कर लिया था बहुत सारी, वो अभी उन किस्सों के बारे में पीछे मुड़कर देखना बेमतलब है। जो मुद्दा है वो ये है कि आप अगर किसी से काम करवाते हो और आपका फ़र्ज़ है, जो आपने प्रॉमिस किया हो, जो नक्की किया हो, हाँ आज तो मैं कहता हूँ पेपर पे होना चाहिए, उस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते थे जी, हमारी जुबान ही कॉन्ट्रैक्ट थी। वाह, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये रोशनी बाकियों तक पहुंचे, और कम से कम वही जैसा आपने कहा कि चेतावनी एक नज़र। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।